इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा नेता जिंदाबाद, विरोधी दल के नेता जिंदाबाद, एक सेकंड आप लोग आगे सर 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 इस तरफ घूम जाएंगे सर। अरे सर एक मिनट के लिए हम लोग के लिए आ जाए सर। अब जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने बातचीत हुई इसके बारे में बताया जाए। दोनों जिनका हत्या हुआ है उस परिवार से मिला है और ये दुर्भाग्यपूर्ण दुखद है कि यहाँ सुपर सीएम का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में शांति रहनी चाहिए, अपराध भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए, लेकिन सुपर सीएम अपने को कहते हैं, इस क्षेत्र के लोकसभा के सांसद हैं और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है, आज चुन चुन के भ्रष्ट पदाधिकारियों को लाकर जिस तरह से स्थापित कर रहे हैं तो ये तो होना ही है। भूल करके जब जब आप कमजोर पदाधिकारी को स्थापित करेंगे प्रशासनिक अराजकता फैलेगी, भ्रष्टाचार अपराध चरम पर पहुंचेगा, उसका खामियाजा आज वैश्य समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, गरीब तबका के लोग को ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। और ये स्थिति सिर्फ मुंगेर के अंदर नहीं, पूरे बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। रोज दर्जन भर लोग गोलियों के शिकार हो रहे हैं। सरकार की निकम्मापनी साफ झलक रही है, इसीलिए सरकार इधर उधर भटकाने का प्रयास कर रहा है, धार्मिक जातीय उन्माद पैदा करके अपनी खामी और कमजोरी को छुपाना चाहता है। यह बागेश्वर बाबा का लोग बिहार की जनता श्रद्धा से सम्मान करेगा, ये लोकतंत्र की धरती है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव इस धरती से ही गया है और इस धरती पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का या माननीय नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी नहीं है, उनका फैमिली का साम्राज्य नहीं है कि किसी को रोक देंगे। बिहार की जनता अपने सांस्कृतिक विरासत के सम्मान करने वाले हर लोगों का सम्मान करेगा और जो भी आएंगे उनको आने का अधिकार है, कैसे रोक देंगे। तुष्टिकरण की राजनीति में हिंदुओं को अपमानित करना और गाली देना, इसके धर्म गुरुओं को बेइज्जत करना, यही संस्कार आपका रह गया है, इसका जवाब अगली चुनाव में जनता देगी। अभी सर गिरफ्तारी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आनंद मोहन की रिहाई पे? क्या कहना चाहेंगे आनंद मोहन की जो रिहाई उसको लेकर के एक तबका? देखिए, आनंद मोहन जी को बलि का बकरा बनाया गया है, उनके आर में एक दर्जन से ज्यादा, दो दर्जन से ज्यादा कुख्यात अपराधियों को छोड़ा गया है। ये सरकार अपराधियों के बल पर अपनी सरकार बनानी चाहती है, चलानी चाहती है। जंगल राज में यही खेल लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, भाजपा उस समय भी लड़ करके उनका जंगल राज का खात्मा किया और जंगल राज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता राज कहते हैं, ये गुंडा राज में बदल गया है, इसको भी खत्म करेंगे, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। थैंक यू सर।